दोस्तों, अगर आप भी भारत को जबरदस्त टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहद ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को चारों खाने चित करके रख दिया और इस मुकाबले में एक जबरदस्त फतेह हासिल करके भारतीय टीम ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि भारतीय टीम विश्व की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल में से कौन बेहतरीन इंडिया का बल्लेबाज है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने शुरू से लेकर अंत तक न्यूजीलैंड को पैरों तले कुचल के रख दिया। भारतीय टीम ने एक पल के लिए भी न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में वापसी करने का मौका ही नहीं दिया। दोस्तों, बता दें, भारतीय टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 540 रन का विशालकाय लक्ष्य रखा, जिसमें भारत के हर एक बल्लेबाज ने बेहद ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करके दिखाया। भारत की ओर से मयंक अग्रवाल ने 62 रन की पारी खेली, वहीं चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने 47 रन की पारी खेली। इसके बाद विराट कोहली ने 36 रन की जबरदस्त पारी खेली और अंत में अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ 41 रन की पारी खेलते हुए भारतीय टीम को 539 रन तक ले जाने में कामयाब रहे। दोस्तों, 540 रन के पहाड़ समान लक्ष्य का पीछा करने उतरे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज एक बार फिर भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने बिलखते हुए नजर आए। बता दें, भारतीय टीम को इस मुकाबले में शुरुआती सफलता मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी और ये शुरुआती सफलता दिलाई टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज रविचंद्र अश्विन ने, जिन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लीथम को LBW आउट करके 6 रन पर उनकी पारी को रोक दिया और न्यूजीलैंड की टीम को 13 रन के स्कोर पर पहला झटका दिया। इसके बाद दोस्तों, विलियंग जो कि एक अच्छे लय में आते हुए नजर आ रहे थे, उनकी लय को खराब किया रविचंद्र अश्विन ने, जब एक चालाकी भरी गेंद डालकर 20 रन पर उन्हें चकमा देते हुए आउट किया और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम को 45 के स्कोर पर ही दूसरा झटका लगा। दोस्तों, इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरीके से भारतीय टीम के सामने कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर भी इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर सके और रविचंद्र अश्विन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे और मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम को 55 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। दोस्तों, इसके बाद डैरिल मिचेल और हेनरी निकोल्स के बीच कच्ची साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम को 120 के बाद तक ले जाने में कामयाबी प्राप्त की थी, जिसमें डैरिल मिचेल शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक अर्धशतक की पारी खेल चुके थे, जिसमें 2 गगनचुंबी छक्के और शानदार 7 चौके शामिल थे। लेकिन वो अक्षर पटेल की घातक गेंद का शिकार हो गए और 60 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट गए, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम को 128 के स्कोर पर चौथा झटका लगा और अब न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरीके से भारत के सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि न्यूजीलैंड को जल्द ही पांचवा झटका लगा टॉम ब्लेंडल के रूप में, जब वो हड़बड़ी में आकर रन आउट हो गए और 129 के स्कोर पर न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। दोस्तों, भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पूरी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम पर अपना दबदबा कायम करके रखा हुआ था, क्योंकि तीसरे दिन के खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 5 विकेट खोकर 140 रन था। इसके बाद दोस्तों, चौथे दिन जब भारतीय टीम के गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने मात्र आधे घंटे के अंदर न्यूजीलैंड की टीम को नेस्ता नाबूद करके रख दिया। आते ही सबसे पहले जयंत यादव ने बेहतरीन गेंद डालकर रचिन रविंद्र को 18 रन पर आउट करके न्यूजीलैंड को छठा झटका दिया। वहीं उसके ठीक बाद उन्होंने काइल जेमिसन को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और न्यूजीलैंड को 165 रन के स्कोर पर 7वां झटका दिया। इसके बाद उन्होंने 165 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 8वां झटका दिया। टीम सऊदी को आउट करके उन्होंने 167 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 9वीं बार झटका दिया। विलियमसन, समरविल को आउट करके और अंत में रविचंद्र अश्विन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में हेनरी निकोल्स स्टंप आउट हो गए और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने 372 रनों की एक विशालकाय जीत हासिल की और न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप करके रख दिया। भारतीय टीम की ये एक जबरदस्त और सबसे बड़ी जीत रही। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम के जबरदस्त जीत को 10 में से आप कितने अंक देना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।